हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल का आइकन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिक्सल इफेक्ट वाले फ़ोटोज़ की। इस तरह के फ़ोटोज़ आपने देखे होंगे कि किस तरह से बनते हैं, ये आपको पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज मैं आपको बताऊँगा इस तरह के पिक्सल इफेक्ट्स वाले फ़ोटो आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे पिक्सल इफेक्ट। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर पिक्सल इफेक्ट टाइप करेंगे, पेज यहाँ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर का जो आपको ऐप नज़र आ रहा है, दोस्तों आप इसके आइकन को अच्छे से देख लीजिए। इसे 500,000 लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और 3.9 की इसकी रेटिंग है। दोस्तों, अगर यह ऐप आपको इस तरह से प्ले स्टोर में मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं इसे यहीं से ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसे आप अपने ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ ये इमेज सोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ दो तरह से आप इमेज ले सकते हैं, एक कैमरे के जरिए, एक अपने गैलरी के जरिए। दोस्तों, जहाँ पर कैमरा बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप फोटो खींच सकते हैं और उसका पिक्सल इफेक्ट दे सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर दोस्तों गैलरी का आइकन है, उसके जरिए आप अपना वहाँ से गैलरी से एक फोटो ला सकते हैं और उस पर इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गैलरी से अपना एक फ़ोटो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गैलरी से अपना एक फ़ोटो यहाँ से लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए, जैसे मुझे अपना यह फ़ोटो पसंद आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरह से यहाँ ओपन होगा। दोस्तों, इसको आप सेट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर पूरा फ़ोटो लेता हूँ और यहाँ राइट साइड में सीधा हाथ की तरफ जो राइट का निशान है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये फ़ोटो यहाँ पर आकर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कोई इफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, चलिए इसको मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ हम इस तरह से भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इस तरह से भी डाल सकते हैं और यहाँ कई तरह से हम डाल सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर ये लव लिखा हुआ है, इस तरह का भी है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस साइड आ जाएगा ये। इसमें दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे ये गोले गोले से बने हुए छोटे छोटे से, ये देखिए यहाँ काफ़ी सारे ये हार्ट बने हुए छोटे छोटे से, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला एक इफेक्ट है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के यहाँ काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। अगर मान लीजिए मुझे यह पसंद आ रहा है दोस्तों, तो इसके बाद में यहाँ पर ये आपको जो नीचे जो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये तो रहा स्टाइल, ये तो स्टाइल हुआ दोस्तों, जो हमने अभी सेलेक्ट किया है ये स्टाइल है। इसके बाद कट, यहाँ पर बीजी लिखा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट नज़र आता है, सेव और शेयर। तो दोस्तों, इसका अब हम यहाँ पर स्टिकर्स जो बीच में लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं दोस्तों, ये देखिए। इनमें से हम कोई भी स्टिकर इस पर लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कोई स्टिकर यहाँ पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ से उसे यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मुझे यहाँ ये बलून अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ से मैं बलून लूँगा, इनको उठाकर मैं कहीं भी ले जाकर इन्हें सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, बड़ा और छोटा कर सकता हूँ दोस्तों अपने पसंद के हिसाब से। यहाँ जल्दबाजी में कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, आप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अब आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में एन लिखा हुआ है, एन के ऊपर जो यहाँ पर एक पेंसिल है आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ये खुल जाएगा, यहाँ लिखा है एंटर योर टेक्स्ट, आप इस पर लिख सकते हैं दोस्तों जो आप लिखना चाहें। मान लीजिए मैं यहाँ पर दानिश लिखता हूँ, तो ये दानिश लिखकर मैं राइट के निशान पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ दानिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ कलर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कलर बीच के अंदर नज़र आ रहे हैं दोस्तों, आप इस पर क्लिक करके इसे कलरफुल कर सकते हैं। यहाँ स्लाइडर के थ्रू इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, मल्टी कलर यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और इसको कम और ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। नीचे कलर्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, आप उन पर सेलेक्ट करके यहाँ कलर्स दे सकते हैं अपने नाम को, इसे मल्टी कलर कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से यहाँ पर ऊपर राइट के निशान पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप राइट के निशान पर क्लिक करेंगे, ये नाम यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। इसे दोनों उंगलियों से आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं और यहाँ कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो खास था वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। अब मैं आपको सेव बता देता हूँ, यहाँ सेव लिखा हुआ है टेक्स्ट के आगे, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है दोस्तों। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ तो मोबाइल की गैलरी से इसको शेयर कर सकते हैं कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ।
दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर क्लिक करके पास में बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।